Welcome to Bankers Reasoning Channel. Today we will solve puzzle number 35. This is a seating arrangement puzzle. इस पजल में आठ लोग हैं जो रेक्टेंगल टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और उनके डायरेक्शंस इनसाइड या आउटसाइड फेसिंग हैं। द पजल इज एट पीपल That is, A, B, C, D, E, F, G, and H are sitting around a rectangular table such that four of them are sitting at different corners of the table and the rest are sitting at the middle of different sides of the table. Some of them are facing the center of the table while the rest have their backs towards the center of the table. So, eight लोग बैठे हुए हैं एक rectangular shape table के जिसमें कि चार लोग corner पे हैं, चार लोग middle में हैं। कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं उन जिनका की फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल है और कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं जिनका की बैक जो है टेबल की तरफ है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना है। दीज आर द क्लूज, लेट अस राइट डाउन ऑल द क्लूज वन बाय वन एंड देन वी विल सॉल्व द पजल। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, तो डी के सेकेंड राइट में ए है। D, who is sitting at one of the corners? D is sitting at one of the corner. F is sitting to the immediate left of A. Immediate left of A. Only one among A and D is facing the center of the table. So A or लिख देते हैं हम D. Only one among A or D facing the center. तो यहां पे हमने और लिखा है, और का मतलब है कि दोनों में से एक सेंटर की तरफ देख रहा है। B is sitting to the immediate right of H. Okay. Next है B, both B and H either are facing the center of the table or have their backs toward the center of the table. तो B और H या तो दोनों ही आउटसाइड देख रहे हैं या दोनों ही इनसाइड देख रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, कहने का उनका मतलब है। C is facing toward the center of the table, तो C is facing toward the center of the table. E is sitting to the immediate right of C. E is sitting to the immediate right of C. F is sitting opposite to H. F is sitting opposite to H and only one among them is facing the center of the table. So F or H में से एक ही जो है center की तरफ देख रहा है। Both E and G either are facing the center of the table or have their backs toward the center of the table. तो E और G का भी सेम है, या तो दोनों बाहर देख रहे हैं या तो दोनों अंदर देख रहे हैं। Only one among G and C is facing the center of the table. Only one among G or C is facing toward the center. C is not facing opposite G. अब यहां पर हम टेबल की जो डायरेक्शंस थी उसके लिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चार लोग हमारे कॉर्नर में हैं, इस तरीके से हम दो पॉसिबिलिटीज को ले लेते हैं। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी क्यों ली हमने? दो पॉसिबिलिटी लेने का कारण है कि यहां पे डायरेक्शंस क्लियर नहीं है, तो जब भी हम किसी को मानेंगे वी विल सपोज समथिंग और वी विल टेक समथिंग एज कि ये हो सकता है। पॉसिबिलिटी जब हम लेंगे तो या तो हम इनसाइड लेंगे और आउटसाइड लेंगे, तो उसको फॉर एग्जांपल यहीं से मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम आपको देख बताते हैं, मान लीजिए डी कॉर्नर पे है उसने बोला है और डी के राइट में ए है, तो अगर हम डी को इस कॉर्नर पे पकड़ते हैं तो उसके राइट में अब ए है, तो इनका डायरेक्शन ही नहीं पता आपको। तो डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन हो सकते हैं, तो डी आपका जो है या तो इनसाइड देख सकता है
या तो डी आपका आउटसाइड देख सकता है। तो जब डी इनसाइड देखेगा तब ए का डायरेक्शन कहाँ आएगा, ए कहाँ आएगा राइट में इधर आ जाएगा, और जब डी आउटसाइड देखेगा तो ए का डायरेक्शन आपका यहां पे आ जाएगा। क्लियर? ओके, ये दोनों चीजें हो गई। अभी एफ जो है ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब ये भी हमें नहीं पता है कि ए किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो अब वो क्या बोलता है यहां पे, फोर्थ क्लू देखेंगे तुरंत। तो देखिए आप, ए और डी में से दोनों में से एक ही सेंटर की तरफ देख रहा है, तो डी अगर सेंटर की तरफ देख रहा है तो ए आउटसाइड देखेगा, यहां पे डी आउटसाइड देख रहा है तो ए सेंटर की तरफ देखेगा। अब अगर ए आउटसाइड देख रहा है तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, तो आपका एफ कहां पे आएगा, लेफ्ट बोला तो आपका एफ इधर आएगा, एफ यहां पर लेफ्ट आएगा तो यहां पे आपका एफ आएगा। अगर हम इसको फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोलते हैं और इसको हम सेकंड पॉसिबिलिटी अज्यूम करते हैं, हो गया एफ का, हो गया ए और डी का भी हो गया। अब आप देखिए कहता है कि एफ और एच से रिलेटेड, अब एफ से रिलेटेड या जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई चीज हमें दिख रही है तो एफ और एच की दिखती है इमीडिएटली, तो एच उसके अपोजिट बैठा हुआ है, यहां पर भी एच उसके अपोजिट बैठ जाएगा। अब वो कहता है कि F और H में से दोनों में से एक ही सेंटर की तरफ देख रहा है, तो अभी इस वक्त हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, पर H और B यहां हमें दिखता है फिफ्थ क्लू कि H के राइट में B है इमीडिएट। यहां पर अगर हम इनसाइड करें उसको तो राइट में DA बैठता है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड करोगे तभी आपका जो है B यहां पर आएगा। इस केस में H के राइट में अगर आप करोगे आउटसाइड करोगे तो D बैठा हुआ ऑलरेडी, तो इनसाइड करना पड़ेगा तभी आपका जो B है यहां पर आएगा। हो गया, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। उसके बाद आपका सिक्स्थ क्लू जो है, B और H जो है सेम डायरेक्शन है, तो B और H का सेम डायरेक्शन आप बनाइए, तो फिर ये देखिए दोनों अंदर देख रहे हैं इस कंडीशन में सेकेंड में, और फर्स्ट कंडीशन में दोनों बाहर देख रहे हैं, ये भी हो गया आपका। अब इससे रिलेटेड कुछ है, F और H में से एक ही सेंटर की तरफ देखेगा। अब यहां अगर देखिए H अगर आउटसाइड देख रहा है तो F कहां देखेगा, इनसाइड देखेगा। H अगर इनसाइड देख रहा है तो F कहां देखेगा, आउटसाइड देखेगा। क्लियर? तो ये भी आपका चीज क्लियर हो जाती है। उसके बाद आप देखिए क्या चीज रह जाती है आपकी, H हो गया, ये सब पॉसिबिलिटीज होगी। C सेंटर की तरफ देख रहा है, C और E, यस। अगर हम सातवीं और आठवीं पॉसिबिलिटी देखें तो आपको क्या बोलता है कि सी सेंटर की तरफ देख रहा है और ई जो है उसके इमीडिएट राइट में है, तो ऐसी पोजीशन कौन सी है वो आप देखिए। क्या यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। यहाँ दो पोजीशन है कॉन्जिक्यूटिव, एकदम इमीडिएट है, तो क्या हम सी को यहाँ रख सकते हैं? तो इमीडिएट राइट चाहिए क्योंकि सी सेंटर देख रहा है, तो उस तहत उस इस चीज के तहत हमको सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तब इमीडिएट राइट में कौन है, ई आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? ये दोनों चीजें हो गई, सी सेंटर की तरफ देख रहा है, अब ई का डायरेक्शन हमें नहीं पता और जी का डायरेक्शन भी नहीं पता है। ओके, इस केस में आप देखिए यहां पर आ सकता है क्या सी और ई? नहीं आ सकता। अगर यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, सेंटर रखेगा तब एफ है उधर इमीडिएट राइट में, तो आपको सी को यहां बिठाना पड़ेगा और ई आपका यहां पे आएगा। तो अब ये पूरे सात एलिमेंट आ गए, रहता है जी, तो पहले हम जी को यहां पे एडजस्ट कर लेंगे। अब वो कहता है कि ई और जी का डायरेक्शन सेम है। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, C के इमीडिएट राइट में हो गया। ओके, ये हो गया, E और G का डायरेक्शंस आपका सेम है, G और C में से एक सेंटर की तरफ देख रहा है, तो G अगर सेंटर की तरफ देख रहा है तो G आपका आउटसाइड देखेगा, और चूंकि G और E का डायरेक्शन सेम है तो ये भी आउटसाइड देखेगा। C सेंटर की तरफ देख रहा है तो G क्या करेगा, आउटसाइड देखेगा। क्यों? बिकॉज G और C, यहां क्या लिखा है, G और C में से एक ही सेंटर की तरफ है, ओनली वन, तो क्लियर है अगर C सेंटर की तरफ है ऑलरेडी तो फिर आपका G आउटसाइड देखेगा। ओके, उसके बाद ये पूरे डायरेक्शंस आ गए, E का डायरेक्शन सेम है G के डायरेक्शन से, तो G भी आपका यहाँ पे आउटसाइड देखेगा। सबके डायरेक्शंस आ गए हैं, सबकी प्लेसेस भी फिट हो गई हैं। अब यहाँ पे एलिमिनेशन की बात है, एलिमिनेट देखो प्रीलिम्स में जनरली लास्ट में आके एलिमिनेट होता है, वो एग्जामिनर चाहता है कि आप दोनों के दोनों कंडीशंस में लास्ट तक पहुंचे ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो। तो आपने अभी क्या करना है, यहां देखिए इसको एलिमिनेट करने का आपके पास कौन सा है, ई और जी का हमने यूज कर लिया, जी और सी यूज कर लिया, सी के इमीडिएट या सामने जो कहते हैं, सी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू जी, यहां क्या हो रहा है, सी और जी
अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के, तो जब अपोजिट आ रहे हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा और ये वाली जो पॉसिबिलिटी है आपकी नंबर वन वो करेक्ट हो जाती है। तो आज की लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि जब भी आपको इस तरीके का पजल आता है जिसमें कि इनसाइड आउटसाइड दो चीजें दी हैं, तो वहां पे आपको दो पॉसिबिलिटी मिनिमम लेनी पड़ेंगी इनिशियली। तो ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि यस आई विल हैव टू टेक टू पॉसिबिलिटीज इफ इनसाइड एंड आउटसाइड कंडीशन इज देयर इन माय पजल। वो एक चीज आपने ध्यान रखनी है। डायरेक्शंस को आपने बहुत ही सावधानी से करना है डायरेक्शंस के बेस में। तो आप जितना ज्यादा यूज इस तरीके से करेंगे कि इसका बी आउटसाइड है, एच इनसाइड है या लेफ्ट है राइट है, तो ये प्रैक्टिस करते टाइम फटाफट फटाफट इनके ऊपर लिख के करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, डायरेक्शन का सेंस आपको समझ आएगा कि जब इनसाइड देख रहा है तो लेफ्ट राइट कहाँ होता है और आउटसाइड देख रहा है तो लेफ्ट राइट कहाँ होता है। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, हालांकि सब सॉल्व कर पाते हैं, बट टाइम जो है, टाइम स्पीड जो है, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब नाउ फॉर लेटेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल क्वेश्चंस। बैंकर्स रीजनिंग चैनल इज डेडिकेटेड टू ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट्स। थैंक यू।